नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। झंझारपुर और निर्मली होते हुए जो रूट का सूखा था वो खत्म हुआ, कई एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत हो गई और जो रेगुलर ट्रेन है उसकी शुरुआत 5 से 6 तारीख के बीच में हो जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे इससे आगे, यानी कि कैसे आएगा अब तूफान, क्योंकि इन रूट पर जो है ट्रेन का सूखा खत्म हुआ लेकिन अब आने वाला है तूफान। तो सबसे पहले आपको बता दें किस तरह से ट्रेन कल चली है, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया और ट्रेन घोघडिया पहुंची तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ। देख सकते हैं जोगबनी दानापुर इंटरसिटी आपके सामने में आ चुका है। देख सकते हैं घोघडिया स्टेशन पे आई है पहली बार फोर गेज की ट्रेन घोघडिया स्टेशन पे। तो देखा आपने किस तरह से घोघडिया में जब ये ट्रेन आई और ये इनॉगरल ट्रेन थी दानापुर जोगबनी की, हालांकि ये रात के वक्त आई और बिरजू ठाकुर वहाँ मौजूद थे, कोई यहाँ पे फंक्शन वगैरह तो आयोजित नहीं था और लेकिन यहाँ पर कुछ लोग थे और ये ट्रेन रात के वक्त गुजरी है। और आपको बता दें कि ये 5 बजे जोगबनी से निकली थी और ये रात में करीब 12-1 बजे पहुँची घोघडिया। और इसका जो एक्चुअल टाइम है, रेगुलर टाइम है, यह सुबह 6 बजे दानापुर से निकलेगी 6:15 बजे और उसके बाद ये दोपहर होते हुए शाम में 4 बजे के आसपास जोगबनी पहुंचेगी। तो ये ट्रेन इस क्षेत्र के लिए बहुत लोकप्रिय होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र को कनेक्शन एक दाना पटना से बिहार की राजधानी से मिलने जा रहा है, तो ये एक अच्छी खुशखबरी है। तो ये ट्रेन जब यहाँ से पास हुई रात के अंधेरे में तो यात्री कम थे, लेकिन जब ये ट्रेन रेगुलर होगी तो निश्चित रूप से। और सहरसा में भी दुल्हन को की तरह इस ट्रेन को सजाया गया था गुब्बारों से और ट्रेन जब सहरसा से रवाना हुई है, सहरसा जोगबनी ट्रेन 055-60 जो इनॉगरल विशेष ट्रेन थी, उद्घाटन स्पेशल थी, ये इसका भी टाइम टेबल जो है वो उस पर हम सवाल उठा चुके हैं कि किस तरह से रात के वक्त है, लेकिन ये इसका भी बड़ी धूमधाम से इसका इनॉग्रेशन हुआ। और ये जब फारबिसगंज भी देर रात पहुँची तो वहाँ भी इसका ज़बरदस्त स्वागत हुआ, तो ये ट्रेन भी उद्घाटन हो गई है। तो कुल मिलाकर के अब ट्रेन जो है धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अब इंतज़ार है जो असली ट्रेन का, यानी कि लंबी दूरी की ट्रेन, जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता के लिए ट्रेन यहाँ से मिले। तो आपको बता दें कई ऐसी ट्रेनें हैं जो अभी पाइपलाइन में है, अप्रूवल आ गया है, खास करके जैसे रक्सौल जो जोगबनी है जिसको होना था उद्घाटित 2 तारीख को ही, लेकिन उसे 6 तारीख का एक्सटेंड कर दिया गया है, इस वजह से कि 6 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं। और जयनगर रक्सौल का भी जो है वो उद्घाटन होना है। इसके अलावा और भी कई विस्तारित होने वाली ट्रेन है, जैसे कि झंझारपुर तक इस समय जो दरभंगा झंझारपुर एक्सप्रेस पैसेंजर है उसको जो है वो विस्तार करके ले जाने की योजना है ललितग्राम या फिर फारबिसगंज। उसके अलावा जो सहरसा से ललितग्राम ट्रेन जा रही है उसको भी विस्तार करके फारबिसगंज या जोगबनी ले जाने की संभावना है। तो ये तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो बहुत जल्द दिखाई देंगी और हो सकता है इसी महीने ये ट्रेनें दिख जाएं, तो आपको अचरज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।